नमस्कार। 12 राशियों पर किन किन ग्रहों का क्या क्या फल होने वाला है, बहुत संक्षेप में कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। मेष राशि, इसी 14 तारीख से सूर्य उच्च राशि में आएंगे। जब सूर्य उच्च राशि में आता तो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कहलाता है, मेष राशि को प्रभुत्व तो देगा, सम्मान देगा। और इसी महीने 14 अप्रैल से और आप ये समझिए 22 अप्रैल तक कष्टकारक भी रहेगा, लेकिन एकदम राहत कैसे मिलेगी, 22 अप्रैल को जब बृहस्पति मेष राशि में दन दन आते हुए आएंगे तो मेष राशि को इतना हष्ट पुष्ट बलिष्ठ प्रभावशाली बनाएंगे और सब समस्याओं का निदान करेंगे। लेकिन असली समस्या अगर उनकी पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला आने वाला समय मेष राशि के लिए वरदान साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के लिए बहुत सुंदर, अच्छे अच्छे मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होंगे। 22 अप्रैल तक तो आप बहुत सुरक्षित, सम्मानित, सुगंधित द्रव्यों से खूब परिपूर्ण रहेंगे, लेकिन आपके अगले 1-1.5 महीना आपके नेत्रों में, आपकी आँखों में जलन, परेशानी, कुछ ना कुछ नेत्र पीड़ा रह सकती है। बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है। वृष राशि बहुत हष्ट पुष्ट बलिष्ठ सम्मानित रहेगी। मिथुन राशि, मिथुन पर चल रहा है मंगल, ये प्रभावशाली मंगल है। छोटा मोटा रोग जरूर होगा, पैरों में कष्ट, परेशानी, चिंता, लेकिन आप प्रभावशाली बने रहेंगे। प्रभावशाली तो जब और ज़्यादा बन जाएंगे जब 15 तारीख को आपका सूर्य और बृहस्पति भी आएगा 22 तारीख को, और राहु, जब तीनों मिल जाएंगे आपसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं होगा। आपकी शादी, विवाह और जिनके कार्यों में रुकावटें चल रही थी वो बन जाएंगे, मान सम्मान, प्रमोशन, तरक्की। और सबसे बड़ी चिंता, जिनको जॉब की थी वो जॉब उनके हाथ में आएगा। कर्क राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे चल रहे हैं, उनको मोबाइल के खर्चे, बिजली के और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो भी हैं उनमें खर्चा, और पैरों में कष्ट, अशांति, तनाव, एंग्जाइटी, चिंता, ट्रांसफर, भूमि, भवन, वाहन, सवारी आदि कार्यों में कुछ व्यवधान। लेकिन अगर जिन कर्क राशि वालों का इतनी परेशानियों के बाद भी अगर दिक्कत चल रही थी प्रमोशन, तरक्की, नौकरी को लेकर के, अप्रैल और मई में 100% मान के चलिए जॉब मिलेगी, और नहीं अगर जॉब लगी हुई है पहले से तो प्रमोशन होगा। अगले 1-1.5 साल आपके लिए बहुत फेवरेबल पॉजिटिव रहेगा। सिंह राशि के लिए लाभ स्थान में मंगल, सप्तम स्थान में केंद्र में शनि, मूल त्रिकोण में बहुत अच्छी पोजीशन और आनंद आपको जब आएगा, क्योंकि आपका सूर्य उच्च राशि में 15 अप्रैल को आपकी राशि से नवम भाव में भाग्य स्थान में होगा तो भाग्य को चमकाएगा, और ठीक 8 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल को फिर बृहस्पति भी भाग्य स्थान में आएंगे। तो सिंह राशि की जो मौज आने वाली है अब, ये कभी ये खुशी दबी हुई नहीं रह सकती। कन्या राशि, कन्या राशि के दशम स्थान में मंगल जरूर है, ये पराक्रम बढ़ाता है, नौकरी, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ। लेकिन अपमान का भय, अशांति, तनाव, चिंता, देखिए सौभाग्य, संतान आदि का कारक, तरक्की का कारक बृहस्पति ही अष्टम में है, 22 अप्रैल को आएगा, उसके साथ सूर्य होगा, ये भी अच्छा नहीं है। राहु साथ में है, यानी कि कन्या राशि का जो भाग्य है सब कुछ अच्छा है, आगे भी अच्छा है, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है 14 अप्रैल से और 15 मई के बीच,
नॉट गुड, अच्छा नहीं कह सकते सभी कन्या राशि वालों को। इस बात को ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, इसीलिए मैं दो बार जोर दे करके कह रहा हूँ इस बात को, सिर्फ कन्या के लिए। अब आया तुला राशि। तुला तो इतनी महत्वपूर्ण राशि हो रही है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं और आपको सूचना अलग से दी गई है। आपका रिजर्वेशन बिल्कुल कंफर्म है कि आपकी तरक्की, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, मांगलिक कार्य तथा विवाह आदि सब कुछ संपन्न होंगे। अब वृश्चिक राशि के लिए अशांति, तनाव, टेंशन, चिंता तथा झूठे आरोप लगना, अपमान का भय, ढैया चल रही है शनि की, तो प्रॉपर्टी और मकान से संबंधित और ट्रांसफर से संबंधित, विदेश यात्राओं से संबंधित परेशानी रहेगी। कुछ लोगों की समस्या और प्रश्न ये भी उभर के सामने आएगा कि मैं विदेश में रहता हूँ, मुझे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट वहाँ का मिलेगा या नहीं, PR, ये एक प्रॉब्लम है। और जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे कुछ एजुकेशन के लिए, उनके कार्यों में कुछ रुकावटें, व्यवधान चल रहे हैं। धनु राशि। धनु के लिए चारों तरफ से सफलता के द्वार इसलिए खुले हैं क्योंकि इनका स्वामी बृहस्पति ही इनको बहुत सुख देने के लिए आ रहा है एक साल के लिए। धनु राशि इतनी मजबूत हष्ट पुष्ट राशि मानी जाएगी, जिधर जाएंगे, एक डायलॉग आपने सुना होगा कि छा जाते हैं, तो अब जो धनु राशि वाले हैं चारों तरफ छाए हुए दिखाई देंगे, इनका प्रभुत्व बढ़ेगा, जिस सभा में जाएंगे वहाँ इनको रेस्पेक्ट मिलेगा। इसके अलावा मकर राशि के लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा तो मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगा, इनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, दूसरों को सलाह कम दें, अपनी तरक्की की बात सोचें। 22 अप्रैल को इनके पास बृहस्पति मान सम्मान प्रतिष्ठा तरक्की देने के लिए आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इनको कष्ट कौन दे रहा है? राहु कष्ट दे रहा है। चतुर्थ भाव में जो राहु है वो बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेनेट है और ये इतना नुकसानदायक होता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है, माता मित्र मकान सवारी पशु प्रॉपर्टी तथा क्लेश, घर में बेड के ऊपर बैठा बैठा भी मनुष्य अशांत रहता है, कई बार ऐसा भ्रम होगा, ऐसा लगेगा कि ये कोई परछाई जा रही घर में और वहाँ देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं है, तो इस प्रकार की अशांति, भय तथा कंफ्यूजन की स्थिति को क्रिएट करता है राहु। इसीलिए 22 अक्टूबर तक इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, 29 अक्टूबर को पूर्ण रूप से इनको शांति प्राप्त होगी जब राहु इनके सुख व्यवधान स्थान में से निकल जाएगा। अब आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि पर शनि चल रहा है, शश योग यानी कि शासन योग बना रहा है, ये राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे, बस अगले कुछ महीनों के बाद तो कष्ट रहेगा, लेकिन ये जो समय है इनका 15 मई तक, इतना पराक्रम से परिपूर्ण मान सम्मान, सबका सहयोग, भाई बहनों का इनको मिलेगा, इनके कार्यों में तरक्की होगी और दूर दूर तक इनकी ख्याति फैलेगी, कार्यों में जो रुकावटें थी वो सब समाप्त होंगी। अब मीन राशि पर भी बात करते हैं। मीन राशि पर अभी तक बहुत अच्छा ग्रह चल रहा था, बृहस्पति सबसे सुरक्षित राशि मानी जाती है जब बृहस्पति होता है इनके ऊपर, लेकिन अब बृहस्पति 22 अप्रैल को हट जाएंगे, शनि आ जाएगा द्वादश में, खर्चे बहुत होंगे, अचानक यात्राएँ होंगी, बिना बात के खर्चे होंगे, बिना बात के झगड़े होंगे, इसीलिए यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, बिना बात के पंगों में नहीं फंसना, किसी प्रकार की व्यर्थ की कोई झगड़े में ना फंसे। और कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, बचाव रखें। क्यों?
कोई आदमी फर्जीवाड़ा कर सकता है, फॉल्स एलिगेशन आपके ऊपर लग सकते हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वृश्चिक राशि के लिए छूट गई है, वो भी मेरे अभी ऐड कर देता हूँ उसमें। वृश्चिक राशि वालों को किसी भी व्यक्ति को अपने आदमी को चेक या कैश लेन देन करते समय बहुत सावधानी रखनी है, किसी की गारंटी नहीं लेनी, जमानत नहीं लेनी उस पे अदालत में, जैसे करते हैं ना कि तुम मेरी जमानत ले लो, या पैसे के लेन देन को विशेष रूप से सावधानी से करें, नीट एंड क्लीन, अन्यथा वो मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय में जाकर के आपको सिरदर्दी लेनी पड़ सकती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।